और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई दवा कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, जायडस की यह वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित बताई गई है। जायकोव डी वैक्सीन पहली वैक्सीन है जो नेजल यानी नाक के जरिए दी जाती है, यानी इसके लिए इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। कंपनी का दावा है कि जायकोव डी दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। जनक हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। जनक, और क्या जानकारी? देखिए, ये फेज 3 जो ट्रायल था जायकोव डी का, और उस वैक्सीन को लेकर काफी लंबे समय से बाजार में इंतजार भी था, उसका उन्होंने इमरजेंसी यूज के लिए डीसीजीआई को अप्लाई कर दिया है। 28,000 वॉलंटियर्स का तीसरे ट्रायल का जो सैंपल्स थे वो भी उसके नतीजों के साथ दिया है। तो कंपनी का जो आकलन रहा है वो ये है कि कंपनी 10 से 12 करोड़ डोजेज बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही में सबसे बड़ी बात है कि नीडल फ्री वैक्सीन है, और खासतौर पर कंपनी का ये भी दावा है कि 12 से 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन देने के लिए ये सुरक्षित मानी जा रही है। ऐसे में ये बड़ा कंपनी का दावा है, क्योंकि बच्चों में वैक्सीन को लेकर, बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर बहुत सारे सवाल थे, संशय थे। ऐसे में कंपनी का दावा है कि ये बच्चों के लिए, खासतौर पर 12 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन कोरोना के सामने काफी अच्छी साबित होगी। तो ऐसे में कंपनी ने आज सीडी को भी इस मामले में जानकारी दे दी है, और इमरजेंसी यूज के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है डीसीजीआई से। बिल्कुल जनक, और जिस तरह से ये सर्वे में भी सामने आया है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ऐसे में इस खबर का आना कि ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित बताई गई है, तो यकीनन एक अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न था, और इसके चलते ही जहां जहां भी, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, स्कूल खोलने की चाहे रिस्क है जिसको, वो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, उन्होंने नहीं लिया, और वो प्राथमिकता सबसे पहले ली कि बच्चों में ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से, हालांकि दावे के साथ नहीं किया जा, लेकिन एक आकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि म्यूटेशन बार बार कोरोना के बदल रहे हैं, ऐसे में ये तीसरी लहर शायद बच्चों को एज ग्रुप का जो है, पहली लहर में बताया गया था कि सीनियर सिटीजन काफी प्रभावित हुए थे, दूसरी लहर में युवा वर्ग काफी उसे प्रभावित हुआ, तो ऐसे में अब ये आकलन लगा रहा है क्योंकि म्यूटेशन बार बार चेंज हो रहा है, ऐसे में बच्चों पर ये असर कर सकता है। ऐसे में ये वैक्सीन 12 से 18 साल का, वो जाहिर सी बात है बड़ी उपलब्धि के तौर पे भी कंपनी इसका दावा कर रही है, और 12 से 18 साल में ये सुरक्षित भी माना जा रहा है। जी शुक्रिया जनक। हरदोई की एक महिला